हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और ये हमारा सेकंड पार्ट है। लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एक पेंसिल कलर से हम लोगों ने ड्रॉ किया इसको, और आज हम जो करने वाले हैं वो प्लास्टिक क्रेयोन से करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैला हुआ है, जैसे आप विंग्स देख रहे हो फैला हुआ है, और एक जो होता है दूसरे स्ट्रक्चर से होता है, तो वो आज ड्रॉ करने वाली हूँ। उसका भी जो प्रोसेस है बिल्कुल ही सेम ही है। कितना हमें विंग्स फैलाना है उस पर डिपेंड करता है। हमें विंग्स इतना देना है, और ये जैसे मैंने लास्ट के बटरफ्लाई में भी किया था, ये हाइट डिसाइड किया हम लोगों ने। और इसके बाद यहाँ से, और साइज़ जो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेम होनी चाहिए, ये वाली चीज़ यहाँ तक आएगी। ये नहीं, अलाइनमेंट नहीं लेने से छोटे बड़े हो जाते हैं उसके विंग्स। तो ये अलाइनमेंट हो चुका है। और इसके बाद ये जो हाफ पोर्शन है वहाँ पे मैंने एक लाइन बनाया यहाँ तक, ये कंप्लीट हुआ। और यहाँ से फिर जैसे आप देख रहे हो ये ट्रायंगल का यूज़ हो रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है बेसिक शेप से, और यहाँ पे भी एक मैंने यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया। तो अभी यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ हेड। फिर यहाँ पे इसकी बॉडी, ये जो है यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मैं लूँगा और फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से ये सेम वहाँ से। इसको अंदर लेके ये ऊपर का विंग्स कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया था उसको इरेज कर लेंगे इमिडिएटली, वरना कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और ये होने के बाद फिर नीचे का जो पार्ट है वो यहाँ से करने वाले। अपर पार्ट में भी हम वैसा ही कुछ बनाने वाले हैं। ये मैंने डार्क कर दिया इसको, और ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें सिर्फ कलर फिल करना है।
इसके अंदर भी बहुत सारे लाइंस हैं। फिर हम करेंगे कलर। ये जो आप देख रहे हो, एक तो गोल्डन कलर है और एक है प्योर वाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होल्डर है मेरे पास, तो उसकी हेल्प से मैं इसको कलर कर दूंगा यहाँ पे। इसमें जो ग्रेफाइट पेंसिल का जो है वो लिड का जो ये है वो लगता है इसमें, तो इसको थोड़ा बैलेंस ही करें कि वो फैले नहीं, जैसे यहाँ पे देखा आपने। आप दो तरह से के भी कर सकते हैं, आप येलो का जो है वो पहले कर लें और उसके करने के बाद फिर डार्क पेंसिल से इसको, जैसे हम लोगों ने पहले किया है वो भी कर सकते हैं बाद में। जितना फिनिशिंग टच हो आपका उतना रियलिस्टिक आएगा। ये हो चुका है और ये होने के बाद हम इसकी बॉडी को करेंगे। थोड़ा सा स्पेकुलर के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। लाइक बॉडी होने के बाद फिर जैसे रेड कलर हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसको हम सिर्फ स्प्रेड कर देंगे। ये भी एक अलग सा टेक्सचर आता है जो हर जगह कलर नहीं फैलता है। ये होने के बाद फिर ऑरेंज, तो इसमें हम एक तरह से रिव्यू भी ले रहे हैं इसका। आप देख रहे हो कि पेंसिल कलर ज़्यादा अच्छे से आउटपुट आ रहा है इसके लिए, लेकिन इनिशियल डेज में आप इसका यूज़ कर सकते हैं जो हैंडलिंग के लिए भी इजी रहता है। जितने भी गैप्स हैं उस गैप में यहाँ पे जैसे हैं इसको फिल कर देंगे। ये होने के बाद
तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा शेडिंग हम यहाँ से भी दे देंगे। जितना डार्क लाइन होगा उतना अच्छा लगेगा, थोड़ी थोड़ी शेडिंग इसमें। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और इस तरीके से जितने भी आप बटरफ्लाई हैं और भी आप बना सकते हैं। और इसके बाद फिर तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप जो भी आप अपना कुछ डालना चाहते हैं तो आप इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपके जो भी फीडबैक है ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और ये आपको लगता है कि किसी को आप भेज भी सकते हैं तो आप शेयर ज़रूर करेंगे, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे, जहाँ पे चाहें आप उसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था मेम्बर्स के लिए, तो उनका फुल वर्ज़न भी वहाँ पे मिलेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।